हेलो एवरीवन वेलकम बैक इसे पिछली वीडियो के अंदर हम ब्लेड डायरेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे थे और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और इसमें इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि मैं ये जितनी भी सीरीज़ बना रहा हूं ये मैं लाइव कोडिंग में बना रहा हूँ ठीक है मैं इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा और जितनी भी चीज़ें हैं मैं लाइव इन्वायरमेंट में शूट कर रहा हूँ और जो भी एरर आएगा उसका मैं आपको उधर ही दिखाऊँगा कि जहाँ पे एरर आ रहा है उसको मैं कट आउट नहीं करूंगा ठीक है ताकि आपको पता चले कि अगर ये वाला एरर आता है तो ये किस वजह से आता है और अगर ये एरर आ गया है तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है ठीक है अगर इसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा तो उसको हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है तो ये फुल सीरीज़ है जिसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ कि आपने डिबगिंग कैसे करनी है आपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कैसे निकालने हैं आपने स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करना है आपने एक अच्छा डेवलपर कैसे बन बनना है ये सारे स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और टू बी आनेस्ट अगर देखें तो ये मैं पेड कोर्स भी बना सकता था लेकिन ये मैं फ्री बना रहा हूँ और जो फ्री वाली चीज़ होती है वैसे उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती ठीक है लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए फ्री बना रहा हूँ वैसे ये मैं पेड कोर्स बनाता लेकिन हमारे जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं वो परचेज़ नहीं कर सकते कोर्स ड्यू टू फाइनेंशियल ईशू या फिर और uh, कोई भी इशू हो सकते हैं मोस्टली फाइनेंशियल ईशूज़ ही होते हैं जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं कर पाते उसकी वजह यही होती है कि वो कोर्स वगैरह परचेज़ नहीं कर सकते और ये फुल कोर्स मैं ज़ीरो से लेकर हिरो तक बना रहा हूँ तो इन आप लोगों को ये पसंद आएगा तो ये हमारे पास पिछली उसके अंदर हमने देखा कि हमने एक कंडीशन इफ़ और मल्टीपल इफ़ को एग्जीक्यूट किया ठीक है जिस तरह से ये कंडीशन लगाई और ये कंडीशन अब सवाल आता है कि हम एल सिफ को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो उसके लिए भी वेरी सिंपल है यहाँ पे ऐसे करें यहाँ पे आए और लिखें एल्स एल सिफ ठीक है और इसमें लिखें वन इक्वल इक्वल वन और यहाँ पे आप लिखें एल्स इज़ एग्जीक्यूटिंग ठीक है एल्स इज एग्जीक्यूटिंग तो यहाँ पे मैं इस वाली कंडीशन को अभी फॉल्स नहीं कर रहा मैं थोड़ी देर तक इसको फॉल्स करता हूँ यहाँ पे आप रिफ़्रेश करें तो ये आपके पास पहली कंडीशन ट्रीयू होगी यस yes, इट्स कुरेक्ट क्योंकि आपको पता है कि इफ़ एल्स की कंडीशन में जस्ट एक कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो अभी हमारे पास पहली एग्जीक्यूट हो रही है जिसकी वजह से दूसरी एग्जीक्यूट नहीं हुई अब मैंने पहली को फॉल्स कर दिया है और दूसरी हमारे पास ट्री यू है रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास एल्स इज़ एग्जीक्यूटिंग ये एल्स नहीं है ये एल्स इफ़ है ठीक है एल्स इफ इज़ एग्जीक्यूटिंग ठीक हो गया अब हमारे पास एल्स एग्जीक्यूट हो गई हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ एल्स को एग्जीक्यूट कराना है तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे मैं इसको एल्स को रिमूव कर देता हूँ जस्ट इसको कर देता हूँ एल्स कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये एल्स चल जाए जस्ट आपने यहाँ पे एल्स लिखना है और उसके बाद सेम सिनेरियो स्टेक्स वैसे ही है सेव करें और यहाँ पे आप लिख दें एल्स ठीक है और रिफ्रेश करें तो ये देखें हमारे पास आ रहा है एल्स इज़ एग्जीक्यूटिंग तो इसका भी सेम ही केस है कि अगर ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो दूसरी एग्जीक्यूट नहीं होगी ठीक हो गया उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की ईजिली समझ आ गई होगी ये थी हमारी इफ एल्स इसके बाद नंबर आता है फारीच लूप का ठीक है लूप्स का तो ये लूप्स आप कैसे लगा सकते हैं ये फारीज लूप है ठीक है तो आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है ये अब फारीश यूज करना है जिसके स्टार्ट में हमने ब्लेड डायरेक्टिव लगा दिया है ठीक है तो ये हम इस तरह से फारिश लूप यूज़ करेंगे यहाँ पे हमारी कलेक्शन आएगी यहाँ पे हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा ठीक है अब हमारे पास हमने चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं तो उसके लिए हमारे पास ऑथ वाला ये वाला ब्लेड है ठीक है इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ब्लेड्स हैं और ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको कवर कराता जाऊँगा और यहाँ पर एक और चीज़ कि आपने ब्लेड को एस्केप कैसे करना है फॉर एग्जांपल ये वाला जो था आप इसको एस्केप करना चाहते हैं ठीक है मैं यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर दूँ क्योंकि वरना ये एक हम इसको एक को स्केप करेंगे तो ये एक्सेप्शन देगा ओ सॉरी यहाँ पे मुझे एफ एंड एफ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे यहाँ पे एंड एफ कंडीशन तो ये एंड एफ कंडीशन है पहली कंडीशन भी ट्री हुआ है दूसरी कंडीशन भी ट्री हुआ है ठीक है रिफ्रेश करें तो ये आपके पास सेंटेक्स वाला इशू खत्म हो जाएगा ख़त्म हो गया ये सेट्स क्रैक्ट या सेट्स क्रैक्ट दोनों एग्जीक्यूट हो रही हैं ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मैं पहली ये जो कंडीशन है इसको मैं स्केप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लगाएं इसको मैंने भी यूज़ नहीं किया तो देखते हैं क्या होता है रिफ्रेश करें तो ये देखें ये सेंटेक्स एरर दे रहा है इफ़ और यहाँ पर आपने एट सेम्बल मे बी यूज टू एस्केप बड डायरेक्टिव ओके बट इन आवर केस ये एस्केप नहीं हो रही अगर मैं इसको भी एस्केप करूँ तो नहीं ऐसे भी नहीं होंगे क्योंकि हमारा टैक्स रिटर इस चीज़ को गेट ही नहीं कर रहा तो ये इसने सेम एस टेज ही प्रिंट करा दिया है ठीक है तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इसको स्केप अगर आपने करना है तो आप इसको लिखें ही ना ठीक है इसका हमने तो सोलूशन निकाल लिया है तो अब हम आगे चलते हैं आगे देखते हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्ट के अंदर जेसन इनकोड यूज़ करना है तो इसको हम कैसे इनकोड कर रहे होते हैं ये पी से ऐसे इनकोड करते हैं बट लारावेल हमें हेल्पर प्रोवाइड करता है यहाँ पे मेंशन है या नहीं है लेकिन मैं मुझे याद है कि कौन सा यूज़ होता है ब्ले डायरेक्टिव ठीक है तो यहाँ पे आपने जेसन आपने किधर किया जेसन का हमारे पास यहाँ पे इनकोड करना है तो यहाँ पे आपके पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आऊँ मैं स्क्रिप्ट और यहाँ पे आपके पास यूज़ होता है जेसन ये वाला ब्लेड डायरेक्टिव और इसके अंदर आप अपना वेरिएबल पी एच का वेरिएबल ऐसे करके डिफाइन कर देते हो और इसको आप सिंगल कोर्स के अंदर या डबल कोर्स के अंदर इसके अंदर पुट करते हो ठीक है ऐसे तो आपने अगर पी एच का वेरिएबल यूज़ करना है इसके अंदर जे के अंदर तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो ठीक हो गया तो जेसन की आपको समझ आ गई कि जेसन का एक ब्लेड डायरेक्टिव भी लारावेल के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए आप उसको आ, अपने वेरिएबल्स को जेसन उसमें रेंडर कर सकते हैं ठीक हो गया अब हम आ, वीडियो का साइज़ भी साथ साथ देखते हैं हमारी वीडियो का साइज़ फिर से बड़ा हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास ब्लेड डायरेक्टिव आते जाएंगे उनको हम साथ साथ कवर करते जाएंगे तो उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तब तो तक के लिए अब आए